श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब मंदिर जाते हैं, हमेशा मंदिर जाते हैं, या कभी कभी सोमवार को या किसी कारण विशेष से मंदिर जाते हैं। जब कोई मुसीबत आ जाती है या मन बहुत दुखी रहता है, कुछ समझ में नहीं आता या अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, तब आप मंदिर जाते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो और आप देख रहे हैं कि आपका जो भी संकट है वो नहीं टल रहा है, बहुत दिनों से पूजा पाठ कर लिया, कुछ रोग हो गया है वो नहीं कट रहा है, तो आप क्या करें, जब आप शंकर जी के मंदिर जाएं तो जहाँ से जल निकलता है वहाँ पर अपना हाथ रख दें, भले जल रहे या ना रहे। जो जल बाहर की ओर गिर रहा है वहाँ पर जब आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे तो आपकी हाथों पे जो रेखा है उल्टी सीधी वह सही हो जाएगी। और जब आप उस जल को लेकर अपने मस्तक पे लगाएंगे तो आपके भाग्य की जो मस्तक की जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, जो उल्टी सीधी या बिगड़ी हुई है वह भी सही हो जाएंगी। जिनसे कि अगर आप पे कोई मुसीबत भी है और वह टल नहीं रही है तो वो भी टल जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो जब भी आप मंदिर जाएं, चाहे कोई परेशानी रहे या ना रहे, आप जहाँ पे जल बाहर की ओर निकलता है उस जगह पर हाथ जरूर रखें। इससे आपके पाप और ताप दोनों तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जो भी पाप होते हैं जीवन में, चाहे जाने और अनजाने में, वह पाप भी खत्म हो जाते हैं और मन में जो दुख रहता है या शारीरिक कष्ट होता है वो भी तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी मंदिर जाएं इस एक चीज़ को अवश्य याद रखें, उस जगह पर हाथ जरूर रखें और अपने मस्तक पे वहाँ से गिरते हुए जल को अवश्य लगाएं। इससे महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। ऐसे सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।